वही गुड मॉर्निंग क्लास 11th। तो ये है लेक्चर नंबर 2, चैप्टर 2 आप लोगों का, जो हम लोग कवर अप कर रहे थे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, बहुत ही बेसिक्स कवर अप किए थे हमने इस चैप्टर के। उसमें क्या क्या था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं वो समझ आ गया था आप लोगों को, कि एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड आर डिफाइंड एज फिजिकल क्वांटिटी। इस दुनिया में जिस भी चीज को आप मेजर कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। फिजिकल क्वांटिटीज हमने तीन तरीके की पढ़ी थी, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मैंने आप लोगों को बताया था आपको पढ़नी नहीं है, चलिए। उसके बाद मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने बेसिक कवर अप कर लिया था। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डायमेंशनल एनालिसिस, या फिर आप ये कह सकते हो कि प्रॉपरली चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, पहला कि डायमेंशंस होती क्या है, उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि इनकी एप्लीकेशन क्या होती है। यानी ये कह सकते हो कि मेनली तो आज हम ये दो ऊपर वाली चीजें डिस्कस करेंगे, थर्ड चीज का थोड़ा सा इंट्रो दे देंगे आप लोगों को। तो चलिए डायमेंशंस पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा ये बताते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी समझ आई थी आपको, डिराइव्ड क्वांटिटी समझ आई थी। मैंने बताया था कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से जनरेट होती हैं। जैसे एग्जांपल दिया था आपको कि एरिया, का फॉर्मूला क्या होता था, लेंथ इनटू ब्रेथ, या फिर मैं कहूं कि ब्रेथ भी तो एक लेंथ ही होती है जिसे आप मेजर कर सकते हो, एल स्क्वायर। तो आप ये कह सकते थे यहां से कि एरिया को बनाने के लिए, लेंथ टू टाइम्स यूज हुई, एरिया को फॉर्म करने के लिए लेंथ टू टाइम्स यूज हुई। यहां पे एरिया क्या था, डिराइव्ड क्वांटिटी, था बच्चों, और लेंथ क्या था यहां पे, लेंथ था फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी इनडायरेक्टली आप यहां से यह चीज देख रहे हो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो जनरेट हो रही, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज जनरेट हो रही हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से जनरेट होती हैं। तो यहां से आपको क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है इस फॉर्मूले से, कि एरिया को बनाने के लिए लेंथ टू टाइम्स यूज हुई, यानी लेंथ की पावर कितनी हुई, टू। तो यहां पे ये जो टू है पावर, यही है डायमेंशन, ये जो पावर टू दिख रही है यही डायमेंशन है यहां पर। जैसे वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम हमारा क्या निकल के आता था, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, एंड ये तीनों ही एक लेंथ होती है, या फिर आप इसे ये लिख सकते थे एल की पावर 3। इट मींस वॉल्यूम को बनाने के लिए लेंथ 3 टाइम्स यूज की गई। तो यहां पे जो पावर 3 है यही है डायमेंशन। यानी ये कि किसी भी फॉर्मूले के अंदर, और वो फॉर्मूला किसका होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी का, उसके अंदर जो पावर होगी वही आपकी क्या कहलाएगी, डायमेंशन। तो आई होप आप लोगों को बेसिक समझ आ गया इसका। चलिए इसके एक प्रॉपर डेफिनेशन, लिख लेते हैं। डायमेंशन की प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज द पावर रेज्ड ओवर फंडामेंटल क्वांटिटी बोर्ड पे विजिबल है ना बच्चों, इट इज द पावर रेज्ड ओवर फंडामेंटल क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट, द डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी ये कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जितनी पावर आप रेज करोगे डिराइव्ड क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये पावर ही क्या कहलाते हैं यहां पे, डायमेंशन। एग्जांपल अब यहां से तरीके से पढ़ते हैं, जैसे एरिया का हमने पढ़ा, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, इट मींस एल की पावर 2। तो यहां पे पावर 2 जो है, पावर 2 इज द डायमेंशन, एंड एल स्क्वायर, ये जो एल स्क्वायर है इसको इस तरीके के ब्रैकेट में बंद कर दो, यहां पे जो एल स्क्वायर है इस तरीके के ब्रैकेट में बंद कर दो, ये है इसका डायमेंशन, एंड इट इज द, एंड एल स्क्वायर इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, फॉर एरिया। बात समझ आई, डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला के बीच में, ठीक है बच्चों।
अब यहां पे कुछ बेसिक रिप्रेजेंटेशंस ली जाएंगी। कुछ बेसिक रिप्रेजेंटेशंस क्या लेंगे हम लोग, मास के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं m, मास के लिए हम लोग कैपिटल m यूज करने वाले हैं, लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं बच्चों, कैपिटल l, और टाइम के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं कैपिटल t। यानी जब डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग, तो जहां हमें मास दिखेगा मास के लिए हम लोग कैपिटल m यूज करेंगे, लेंथ के लिए हम लोग कैपिटल l यूज करेंगे, और टाइम के लिए हम लोग कैपिटल t यूज करेंगे। तो डायमेंशन समझ आएगी, डायमेंशन आर दी पावर रेज्ड ओवर फंडामेंटल क्वांटिटीज टू रिप्रेजेंट द डिराइव्ड क्वांटिटी। अब एक बात और निकल के आती है कि डायमेंशन तो क्लियर हुई, डायमेंशनल फॉर्मूला भी हल्का सा समझ आ गया कि ये जो एल स्क्वायर है ये एक डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो मैं ये बता दूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिवर्सली ट्रू होता है। इट मींस कि अगर आपका एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर निकल के आया, तो आप किसी भी चीज का एरिया निकाल लो उसका एल स्क्वायर ही निकल के आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। चेक कर लेते, नोट कर लेना आप लोगों ने अगर ये चीजें नोट नहीं की तो। जैसे मैं बता दिया कि एरिया का फॉर्मूला एल स्क्वायर निकल के आया, अब एरिया अगर स्क्वायर का निकालोगे आप लोग, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, ठीक है बच्चों, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, और साइड भी क्या होती है, एक लेंथ ही तो होती है। इट मींस एल इंटू एल, तो इसे कुछ ऐसे लिख सकते हो एल की पावर टू, और इस तरीके के ब्रैकेट में बंद कर दो। तो ये निकल के आया एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, देखिए ये भी सही है रिप्रेजेंटेशन, लेकिन कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हमारे पास होगा तो हम उसे एम एल और टी की फॉर्म में लिखते हैं। आपने देखा होगा बुक्स में कुछ इस तरीके से फॉर्मूला लिखा होता है, एम की पावर वन, एल की पावर टू और टी की पावर वन, जो भी समथिंग, जो भी पावर रही हो, कि ये कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहता है। तो इसमें एम और टी तो है नहीं, इसमें एम और टी तो है नहीं, तो इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, एम की पावर जीरो, एल की पावर टू और टी की पावर जीरो, बिकॉज किसी की भी पावर जीरो मतलब क्या होता है, वन। यानी एम की पावर जीरो मतलब क्या होगा, वन, और टी की पावर जीरो मतलब वन, और वन इंटू वन मल्टीप्लाई होगा तो फिर से यही टर्म निकल के आ जाएगी। तो बोथ आर करेक्ट, आपको जहां भी जो भी देखने को मिल जाए बोथ आर करेक्ट। अभी मैंने एरिया बताया आपका स्क्वायर का, अगर आप रेक्टेंगल का निकालोगे, रेक्टेंगल क्या होता बच्चों, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, एंड बोथ आर लेंथ, लेंथ भी एल से रिप्रेजेंट की जाएगी और ब्रेथ भी एल से रिप्रेजेंट की जाएगी, इट मींस एल स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर का एरिया भी यही निकल के आ रहा था, स्क्वायर का एरिया भी यही निकल के आया था हमारा, और रेक्टेंगल का एरिया भी यही निकल के आया। अभी कुछ बच्चे बोले कि सर ये तो ठीक है आपने सेम सेम ले लिए, सर्कल का निकाल के देखो। चलो सर्कल का करते हैं, सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसे अगर ब्रेक करूंगा तो ऐसे नहीं लिख सकता, पाई की जगह पे पाई, पाई एक कांस्टेंट है 22/7, या फिर वो वैल्यू डाल दो, मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई आर। तो एक बात ध्यान रखना है यहां पे, कांस्टेंट के लिए आप लोग वन यूज करते हो, यानी कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला वन होता है। यानी पाई है तो पाई को जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे तो वन हो जाएगा, कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वन। तो पाई की जगह वन आ गया, और आर क्या है, एक लेंथ, इट मींस एल आएगा इस जगह पे, और आर के लिए भी एल, तो वन इंटू एल क्या निकल के आया, एल स्क्वायर। देखिए सर्कल का भी डायमेंशनल फॉर्मूला, आप किसी भी एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लीजिए, ट्रेपेजियम का करके देख लेते हैं। चलिए एक काम करो, कुछ होमवर्क है आप लोगों के लिए, कुछ और का निकाल के देखना, ट्रेपेजियम हुआ, पैरेललोग्राम हुआ, सबका यही निकल के आएगा, क्योंकि ज्यादा लेंथी नहीं करते वीडियो को, बेसिक चीजें आप लोगों को समझ आई कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। अब देखिए, अब एरिया वगैरह को तो निकाल दिया, अभी अगर देखिए मास को एम से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को एल से, टाइम को टी से, अगर वेलोसिटी का निकालें, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी होती है बच्चों डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है, इट मींस एल, और टाइम के लिए टी, एल अपॉन टी निकल के आया। देखिए जब
डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर माइनस में चेंज होगी, अभी टी की पावर कुछ भी नहीं है, इट मींस वन होगी। जब पावर कुछ भी नहीं होती तो हम वन मानते हैं, तो ये टी की पावर वन है, ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस वन, यानी एल टी की पावर माइनस वन। तो ये निकल के आया आपका वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका निकल के आया बच्चों? वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसे आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, एम की पावर जीरो, क्योंकि एम इधर है नहीं, एल की पावर देखो कुछ नहीं है तो वन ही होगी, इट मींस एल की पावर वन और टी की पावर माइनस वन। ये एक स्टैंडर्ड हो गया रिप्रेजेंट करने का एम एल और टी की टर्म्स में। अगर आप स्पीड का निकालोगे तब भी यही निकल के आएगा। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से, यानी एल टी माइनस वन। देखो एल टी माइनस वन, इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। कुछ और फॉर्मूले निकालते हैं हम लोग, डेंसिटी का निकाल के देखते हैं। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास के लिए तो एम और वॉल्यूम के लिए क्या होता है? वॉल्यूम। देखो हाँ, अब इस तरीके से दिक्कत आती है कभी कभी कि वॉल्यूम का क्या रखें सर? तो बच्चों वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। इट मींस लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट क्या हो गया? एल इनटू एल इनटू एल, मींस एल की पावर थ्री। तो ये क्या हो जाएगा? एम एल माइनस थ्री। एल की पावर थ्री ऊपर जाएगी तो एल की पावर माइनस थ्री। आप इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते थे, एम की पावर वन, एल की पावर थ्री माइनस थ्री और टी की पावर जीरो, बोथ आर करेक्ट। चलिए डेंसिटी की निकल आई, कुछ और एक्सेलरेशन की निकालो, फोर्स की निकालो। मैं दो तीन डायमेंशंस और निकलवा देता हूं आप लोगों को। देखिए आप कुछ बेसिक डायमेंशंस याद कर लेना, कुछ बेसिक डायमेंशंस याद कर लेना, मैं अभी बता दूंगा लेक्चर खत्म होते थे कौन सी, क्योंकि हर जगह जरूरत पड़ेगी अभी आपको। देखो एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन होता है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यही तो होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। और इसे आप कुछ ऐसे लिखोगे, इक्वल्स टू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा यहां से वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। आपको फॉर्मूलेस पता अगर है तो आपको किसी की भी डायमेंशन रटने की जरूरत नहीं, आप इजिली फाइंड आउट कर लोगे। अब देखो यहां से गला खराब हो गया थोड़ा सा। v माइनस यू, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस हो रहा है। जब वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस होगा तो आपको रिजल्ट भी तो कुछ वेलोसिटी मिलेगा। मतलब कहने वाली बात यह है कि सेम क्वांटिटी में से अगर सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ वही क्वांटिटी आपको ऑब्टेन होगी। तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करी तो आपको वेलोसिटी ही मिलेगी और टाइम की जगह टी। और वेलोसिटी की डायमेंशन आप लोग पीछे निकाल के आ चुके हो, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन और टी की जगह पे टी। अब देखिए एक टी ये रहा, अब इसे आप कैसे लिखोगे? इसे कुछ ऐसे लिखोगे ना, एल टी माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई टी की पावर माइनस वन, क्योंकि ये टी की पावर वन है, ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस वन बन जाएगा। अब ये क्या निकल के आ गया? देखिए एक टी की पावर माइनस वन ये रहा, एक टी की पावर माइनस वन ये रहा, इट मीन्स एल टी की पावर माइनस टू। तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस टू। इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, एम की पावर जीरो, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस टू, बोथ आर करेक्ट। तो ये आपके कुछ तरीके हैं डायमेंशनल फॉर्मूलाज निकालने के। एक आध क्वेश्चन और करते हैं। चलिए मैं आपको कुछ सर्टेन फॉर्मूलेज बता देता हूं जो आपको याद कर लेने होंगे अच्छे से। पहला तो मैंने बताया वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, डेंसिटी, फोर्स, ठीक है और कुछ है फोर्स के अलावा? है वर्क एनर्जी पावर, ये कुछ और है वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो देखिए। हालांकि मैं ये कहूंगा कि अगर आपको फॉर्मूलेज अच्छे से याद है तो दैट मींस कि आपको डायमेंशंस याद करने की ज्यादा कुछ खास जरूरत है नहीं,
लेकिन क्या होता है कि जब आप बड़े बड़े क्वेश्चंस करोगे आगे, तो अगर आपको डायमेंशंस याद हैं तो आप इजीली पुट अप कर दोगे। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आपको वेलोसिटी की डायमेंशन याद नहीं है तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला देखोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तब वहां से निकालोगे एलटी माइनस वन। कहीं एक्सेलरेशन की अगर आ गई, जैसे फोर्स की डायमेंशन हमने निकलवा ली आपसे कि यार फोर्स की डायमेंशन निकालो, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। यार सीधा सीधा मास इंटू एक्सेलरेशन है। अगर आपको एक्सेलरेशन की डायमेंशन पता है एलटी माइनस टू, तो आप सीधे पुट अप कर दोगे। अदरवाइज क्या करोगे, आप पहले एक्सेलरेशन की डायमेंशन फाइंड करोगे, तब जाके फोर्स की फाइंड करोगे। तो इसलिए कह रहा हूं कि मैं ये कुछ बेसिक डायमेंशन है जिनका कि आगे यूज पड़ता है, तो आप याद कर लेना। तो ठीक है, तो चलिए आपने डायमेंशन समझ लिया कि डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्लियर हो गया आपको। अभी मैंने बताया था कि इसकी एप्लीकेशन हमें पढ़नी होंगी कि इसकी डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन क्या है। उससे पहले एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, वो पता होना चाहिए आप लोगों को। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो, इफ यू आर एडिंग टू फिजिकल क्वांटिटीज, देन बोथ फिजिकल क्वांटिटीज विल हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। नहीं आई बात समझ में? मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप a प्लस बी कर रहे हो, मान के चलो कोई आपने एक फॉर्मूला देखा, उसमें दो क्वांटिटीज ऐड हो रही थी, तो इन दोनों क्वांटिटीज की डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अगर a का डायमेंशनल फॉर्मूला सपोज कर लेते हैं एल टी माइनस वन है, अगर a का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने सपोज कर लिया एल टी माइनस वन है, तो b का भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस वन होना चाहिए था, तभी जाके ये दोनों क्वांटिटीज आपस में ऐड होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, ओनली फिजिकल क्वांटिटीज चलो यहां से करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला यानी जो वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, वही या तो एड होंगी और वही आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। और एक और बात कहता है डायमेंशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि अगर कोई इक्वेशन है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लास टेंथ में पढ़ी थी, अगर एक इक्वेशन है कोई s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इट मीन्स यहां पे एक टर्म ये आ रही है और एक टर्म ये आ रही है, इन दोनों की डायमेंशन आपस में सेम होगी। इनडायरेक्टली मतलब इसी को उसने दूसरे तरीके से बता दिया कि कोई अगर एक इक्वेशन है तो उसमें सारे जितनी भी क्वांटिटीज होंगी उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। तो ये है हमारी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि क्या कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला ना हो, क्या कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला ना हो? बिल्कुल है, स्ट्रेन। बिल्कुल है बच्चों, स्ट्रेन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है इसका कि कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, यह फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती है। तो क्लियर है, अभी मैं आपको बता रहा हूं एप्लीकेशन क्या है डायमेंशनल एनालिसिस की। उसके बाद अगली वीडियोस में हम लोग इसकी तीनों एप्लीकेशंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में एक ही एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा मकसद यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सकूं इस चैप्टर के, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है यह। चैप्टर अच्छा लगेगा तो फिजिक्स पर भरोसा रहेगा आपको, अगर यही चैप्टर समझ नहीं आया तो फिजिक्स से भरोसा उठ जाएगा आपको, वही होगा कि फिर डर लगने लगेगा। चलिए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी डायमेंशनल एनालिसिस हमने जो पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो इसके तीन एप्लीकेशन है बच्चों। पहली एप्लीकेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशन, यानी ये कि अगर आपको कोई रिलेशन दिया जाएगा, आपको ये चेक करना होगा कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बचपन से तो नहीं, क्लास नाइन्थ में पढ़ा था पहली बार,
तो आपको पता है ये फॉर्मूला सही है, लेकिन आपको डायमेंशनली प्रूफ करना होगा कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सेकंड है टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, यानी ये कि इस तरह इसमें जो है ये सेकंड वाली एप्लीकेशन है, इसमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे सोच के देखो यार कि आप अपने रिलेटिव्स पे डिपेंड हो, आप अपने मामा जी पे डिपेंड हो या आप अपनी मौसी जी पे डिपेंड हो। किसी डिपेंड इंसान कब होता है? जब उसके साथ उसका कोई रिलेशन होता है। तो इसी तरीके से यहाँ बोला जाएगा कि एक मास है वो वेलोसिटी पे इतनी टाइम्स डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पे इस तरीके से। तो आपको एक डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना होगा उस रिलेशन का। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत आसान है। और तीसरा है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। ये अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, पहले तो मैं आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ाऊंगा किस तरीके की होती है, कौन कौन से। मतलब ये कि अगर आपको कोई क्वांटिटी एसआई सिस्टम में दी जाएगी तो आपसे उसकी सीजीएस सिस्टम में वैल्यू पूछ रहा होगा, कोई क्वांटिटी अगर सीजीएस में दी जाएगी तो उसको एमकेएस में पूछ रहा होगा। तो ये तीनों ही बहुत आसान है और तीनों पे से क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं वो सेकंड और थर्ड से रहते हैं। पहली पे भी बनते हैं पर सेकंड और थर्ड से ज्यादा चांसेस रहते हैं। ऐसी बात नहीं फर्स्ट से नहीं बनते। फर्स्ट वाली एप्लीकेशन पे आर्मी स्कूल, रमनलाल शोरा वाला और भी बहुत सारे स्कूल से हर साल एक क्वेश्चन देते हैं अपने फर्स्ट टर्म एग्जाम में। क्लियर है बच्चों? तो ये वीडियो हमने कवर अप की पूरी, इसमें बहुत ज्यादा खास नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा है? डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ा है, हालांकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये इस चैप्टर की। यहां से आपका चैप्टर प्रॉपरली स्टार्ट हो चुका है। डायमेंशंस क्या होती हैं ये कवर कर लिया हमने, डायमेंशनल फॉर्मूलाज क्या होते हैं वो कवर अप कर लिया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है वी हैव ऑल्सो कवर्ड दैट, और उसके बाद इनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। अब इनकी एप्लीकेशंस हम लोग अगली वीडियोस में कवर अप करेंगे। अगेन मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर चैनल पे पहली बार आप लोग विजिट किए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन प्रेस करना, तभी आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। बाकी मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा इस लॉकडाउन पीरियड में। थैंक यू।